नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव और आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना। हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना। इसका क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों? क्वेश्चन आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर आएगा सिद्ध कीजिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 गुणित क्यू बाई आर, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया है वो हमारी जो पिछली क्लास है विभवांतर वाली, उसका जो डायग्राम है वही डायग्राम यहाँ पर मैंने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए बनाया है। फिर भी मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर, है ना, इससे कितनी दूरी, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी तक है, या फिर मैं ये मान लूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण वहां तक है, ठीक है। इस पर मैं दो बिंदु मानता हूं, कौन कौन से आप सभी को पता है, a और b, है ना। इस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। बिंदु o से जो बिंदु a है वहां तक की दूरी को मैं मानता हूं r, ठीक है। इसके बाद में बिंदु ए का जो विभव होगा उसको मैं वी ए कहता हूँ, बिंदु बी का जो विभव होता है उसे मैं बिंदु वी बी कहता हूँ, है ना। इसके बाद में आपका वी बी से वी ए तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, डी आर, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी है अपनी, वो मानते हैं हम आर, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक परीक्षण आवेश बिंदु A पर मैं कल्पना करता हूँ जिसको मैं A से कहाँ तक लेके आता हूँ, B तक लेके आता हूँ, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है। बल इधर की ओर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव है। जब दोनों पास आएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल होगा और प्रतिकर्षण बल को मैं क्या लिखता हूँ, माइनस एफ लूंगा, ठीक है। माइनस एफ होगा क्योंकि प्रतिकर्षित हो रहा है, मैं माइनस नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, फिर भी मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। और ये हमारा बन गया डायग्राम। ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, यही मैंने वहाँ पर बनाया है, ठीक है। और यही चीज मैंने लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, माना कि मूल बिंदु O पर प्लस Q, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है कि माना कि मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है, इस पर Q0, है ना, काल्पनिक आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, कि ये जो Q0 आवेश है इसे पहले मैं A से B तक लाऊँगा, है ना। फिर मैं इसे क्या करूंगा, अनंत से, है ना, फिर क्या मानूंगा, अनंत से कहां तक लाऊंगा, ओ तक लेके आऊंगा। मतलब पहले तो ये इतना सा अल्पकारी की बात करेंगे हम, फिर हम यहां से यहां तक की बात करेंगे। देखो यहां पर Q0, काल्पनिक आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, जब इतना सा लेकर आओगे तो आपका अल्प कार्य होगा, और अल्प कार्य क्या होता है, मैं अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। अब कार्य की डेफिनेशन क्या होती है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो हमने क्या देखा, अल्प कार्य बराबर बल इंटू क्या होगा, विस्थापन। अल्प कार्य को हम क्या लेते हैं, dW इज इक्वल टू माइनस एफ। माइनस क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यह बल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल है, इसलिए मैंने क्या लिया है, माइनस लिया है। माइनस एफ इंटू डी आर, डी आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि ए से कहां तक लेके आया हूं, बी तक लेके आया हूं। फिर मुझे पता है कुलाम के नियम से, कुलाम के नियम से मैं क्या जानता हूं, कि एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 गुणित क्यू वन, है ना, इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने F की जगह पर क्या रख दिया है, है ना, कुलाम के नियम से F की वैल्यू रख दी, और dr ऐसा कैसे लिखा। फिर मैंने क्या किया भाई, अनंत से R तक, है ना, अनंत से, मान लो Q नॉट कहीं और है, और वहां से हम कहां तक लेके आ रहे, R तक, R तक मतलब हम ये समझ ले O तक, है ना। इसको बिल्कुल मैं किसके पास ले आया, O के पास ले आया। ये मैं ये भी कह सकता था कि A से O तक लाने में, है ना, A से O तक लाने में किया गया
कार्य। अब हम जब संपूर्ण कार्य निकालते हैं तो क्या निकालते हैं उसमें, समाकलन करते हैं, है ना। समाकलन करेंगे हम इसका, तो इसका dW का समाकलन किया मैंने, इसका समाकलन किया कहां से कहां तक, अनंत से R तक, है ना। यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब मेरा dW का समाकलन क्या हो गया, W हो गया इज इक्वल टू, है ना, यहां से मैंने क्यू इंटू क्यू नोट अपान 4 pi एप्सिलॉन नोट को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है। समाकलन के लिए केवल अंदर क्या बचेगा, 1 r² dr। अब एक समाकलन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर हम समाकलन करेंगे x की पावर n का, यहां पर x की जगह क्या है, r है, केवल आपको यह समझना है कि x की जगह आप r रख लीजिए, x की पावर अगर n है dx है, मतलब r की पावर n है dr है, तो आपका जो समाकलन होगा वो होगा x की पावर n प्लस 1, पावर में एक जुड़ जाएगा और अपान में भी हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या लिख दिया, देखो ये 1 r² था, इसको रेसिप्रोकल मतलब पलट दिया, जब r स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगी, घात क्या हो गई, माइनस 2 अपान में हो गया 1, उसको मैंने लिखा नहीं। अब मैं इसका समाकलन करता हूं, देखिए, ठीक है, समाकलन हो गया W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपान हो गया 4 pi epsilon naught, है ना। अब मैंने इसका समाकलन कर चुका हूँ, समाकलन कर दिया मैंने डायरेक्ट, है ना, तो r माइनस 2 है, माइनस 2 में एक और जुड़ेगा, प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 जो होगा वो प्लस का होगा, माइनस 2 है मतलब माइनस 1 बचेगा ऊपर, तो यहाँ पर होगा r माइनस 1 अपान में n प्लस 1 होता है, n क्या है इसकी पावर माइनस 2, माइनस 2 में से एक जुड़ेगा तो मतलब घटेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 1, ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए। और कहां से कहां तक है, है ना, लिमिट कहां से कहां तक है इसकी, इनफाइनाइट टू आर, अनंत से आर तक है, ठीक है। हम बढ़े आगे, अब हमने क्या किया, यहां पर इस माइनस से, आप इस माइनस से, ये वाला जो माइनस है, इस माइनस से इस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, मैंने कैंसिल कर दिया, या बाद में भी कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या आया, W इज इक्वल टू यहां पर बचा क्यू क्यू नॉट अपान 4 pi epsilon naught, और मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा 1 r - 1 infinite, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट में से किसको घटाते हैं, लोअर, इसको ऊपर वाली को अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है, मैंने उसको घटा दिया। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हो भैया, चूंकि 1 r - ∞ का मान होता है 0, तो इसकी जगह क्या जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, W इज इक्वल टू, है ना, Q Q नॉट अपान क्या हो गया 4 pi epsilon naught, है ना, इनटू यहां पर क्या हो गया 1 r। अब मैं ये जानता हूं, क्या जानता हूं, कि यहां पर आपका W बराबर क्या होता है, है ना, आप जानते हो विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W बटे Q नॉट, है ना। तो यहां से हमने क्या निकाला था, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से W की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इधर आएगा तो यहां हो जाएगा Q नॉट, है ना, ये आप जानते हो, ठीक है, किससे, विद्युत विभव की डेफिनेशन से, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर W की जगह पर मैं रख देता हूं वी क्यू नॉट, है ना, मैंने यहां पर रख दिया वी क्यू नॉट, है ना, यहां पर देखो क्यू क्यू नॉट अपान हो गया 4 pi epsilon naught, और यहां पर होगा 1 r। अब बच्चों देखिए, यहां पर ये जो क्यू नॉट है, है ना, इस क्यू नोट से इस क्यू नोट को मैंने कैंसिल कर दिया, अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच जाता है V इज इक्वल टू, है ना, इस Q को मैं उधर ले जाऊं, एक को इधर ले आऊं, सेट कर लेता हूं थोड़ा सा, 1 r - 4 pi epsilon naught इनटू, है ना, क्या हो जाएगा आपका, Q अपान हो जाएगा R, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, है ना, ये क्या हो गया आपका वोल्ट, क्लियर, ठीक है। V बराबर 1 r - 4 pi epsilon naught इंटू क्यू अपान आर, है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो और भी आप इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V है ना इज प्रोपोर्शनल Q बाई आर, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है V इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं लगाओ तो बराबर में लगा के K Q अपान R भी हो सकता है, और आप CGS पद्धति में अगर लिखोगे तो CGS पद्धति में K की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट ये भी हो सकता है V बराबर Q बाय R, है ना, यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो गया था, ठीक है, यही प्रूफ होने के लिए
करने के लिए आपको बोलता है। ठीक है, अच्छे उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर। आज के लिए यहीं पर हम खत्म करते हैं क्लास। जय हिंद, जय भारत।